वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो आज की वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लॉक 8 द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश यूनिट 1 वेरिएशन एंड वैराइटीज। इसमें इस ब्लॉक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, जो कि है पिजन एंड क्रियोल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पिजन को। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। जो पिजन थी ये इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुई थी। इट इज़ अ लैंग्वेज विच डेवलप्ड एज अ कॉन्टेक्ट लैंग्वेज व्हेन ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस कम इनटू कॉन्टेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी पिजन एक तरीके की लैंग्वेज बन गई थी, जो कि कब डेवलप हुई थी, जब अलग अलग ग्रुप के लोग आपस में कॉन्टैक्ट में आते थे और जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। मींस के अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले ग्रुप्स के लोग जब आपस में कॉन्टैक्ट में आते थे, उससे जो लैंग्वेज डेवलप हुई, दैट इज पिजन। अ पिजन डेवलप्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स विच डोंट हैव कॉमन लैंग्वेज। जो पिजन है वो लैंग्वेज है जो कि डेवलप हुई कब, जब दो अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग हैं वो कॉन्टैक्ट में आए, जिनकी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। मीन्स कि दोनों के डिफरेंट लैंग्वेजेस थे। अब हम डिस्कस करते हैं क्रियोल के बारे में। इट इज़ द स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ पेरेंट लैंग्वेज। यानी क्रियोल क्या होती है, जो पिजन के बाद जो स्टेट आता है, यानी कि वो स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज जो कि बनती है मिक्सिंग ऑफ पेरेंट लैंग्वेज, यानी कि हमारे पेरेंट्स जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि आसपास के माहौल का बहुत ज़्यादा असर होता है। तो जैसी लैंग्वेज हमारे पेरेंट्स यूज़ करते हैं, यानी जैसी लैंग्वेज का यूज़ हमारे घर में होता है, तो वैसी ही लैंग्वेज धीरे धीरे हम लोग भी बोलना शुरू कर देते हैं। अ क्रियोल कम्स इनटू बीइंग व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न इनटू अ पिजन स्पीकिंग एनवायरनमेंट एंड एक्वायर द पिजन एज फर्स्ट लैंग्वेज। यानी क्रियोल जो है वो सेकेंड स्टेट होता है, फर्स्ट स्टेट हमारा पिजन होता है। यानी कि जब एक चिल्ड्रन बॉर्न होता है वो पिजन स्पीकिंग एनवायरनमेंट में होता है, वो एक ऐसी लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस होता है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता होता, एक न्यू चिल्ड्रन को, एक न्यू बच्चे को, और धीरे धीरे वो पिजन को पहले एक्वायर करता है और उसके बाद वो क्रियोल बनता है। What we know about the history and origins of existing creoles suggests that this may happen at any stage in the development of a pidgin. यानी कि क्रियोल के हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में जहाँ तक हम जानते हैं, वो हमें ये बताता है कि ये जो पिडजिन है वो क्रियोल किसी भी अनदर लेवल पर जाके बन सकती है। यानी कि शुरुआत पिडजिन से होती है पर धीरे धीरे वो क्रियोल बन जाती है। सो फर्स्ट स्टेज इज पिजन एंड सेकेंड स्टेज इज क्रियोल। अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिजन के बारे में, यानी पिजन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है पिजन हैज नो नेटिव स्पीकर। पिजन लैंग्वेज में कोई नेटिव स्पीकर नहीं होता। वी कॉल्ड पिजन एज हाइब्रिड। पिजन को हम एज अ हाइब्रिड भी बोलते हैं। हाइब्रिड यानी कि जो दो लैंग्वेज से मिलकर बनी है, जैसे कि हिंदी प्लस इंग्लिश। थर्ड इज नैरो इन रेंज, इसका जो रेंज है वो काफ़ी नैरो होता है। फोर्थ है नैरो फंक्शन। फिफ्थ सिंपल स्ट्रक्चर। सिक्स्थ इज सिंपल वोकैबुलरी। सेवेंथ नो हाई स्टेटस और प्रेस्टीज। एट्थ इज हाईली मिक्स्ड एंड नाइन्थ ट्रेडिंग पर्पस। ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी इसे यूज किया जाता है। सो अब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रियोल। क्रियोल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लर्न्ड एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इसे सीखा जाता है। इट हैज़ नेटिव स्पीकर। इट हैज़ प्रॉपर ग्रामर। हाई स्ट्रक्चर। हाई वोकैबुलरी। सिक्स्थ इज फुल्ली डेवलप्ड। सेवेंथ यूज्ड इन स्पोकन एंड रिटन। एट्थ इज यूज्ड बाय कम्युनिटी वाइड एरिया। एंड नाइन्थ इज इट इज स्टेबल एंड स्ट्रक्चर बेस्ड। सो ये थे वीडियो रिलेटेड टू पिजन एंड क्रियोल। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर भी करें साथ ही साथ. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.